उज़्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने का मंसूबा। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि कनाडा को मजीद लोगों की ज़रूरत है। 3 सालों में 14 लाख से ज़ायद तारिकीन वतन को देखना चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मिसिसागा लेकशोर के नशिश्त पर वफा के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। 12 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। ऑन्टेरियो के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना चार्ल्स सोसा लिबरल्स की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। टोरंटो में 75,000 सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। आलमी बरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले मजालिम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। अमरीका में वस्त मुद्दते इंतखाबात में 1 रोज़ बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मिड टर्म इलेक्शन जो बाइडन और ट्रंप की वोटर्स को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम। वस्त मुद्दते इंतखाबात के लिए 4 करोड़ अमरीकी पहले से ही वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीका का अंदरूनी खाना यूक्रेन को रूस से मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी सदर के माउन की रूसी हुकाम से खुफिया गुफ्तगू। व्हाइट हाउस का अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की हुकूमत ने रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने का मंसूबा बनाया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने का मंसूबा बनाया है। मजीद तारिकीन वतन के लिए कनाडा के मंसूबे का मकसद अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाना है। ताहम माहरीन का कहना है कि उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। तारकीन वतन को अपने मुल्क में बसाने के कनाडा की हुकूमत के इब्तदाई अहदाफ में तकरीबन 13% का इजाफा हुआ है। वजीर का कहना है कि कनाडा को मजीद लोगों की ज़रूरत है। कनाडा का इस इकदाम का बुनियादी मकसद तमाम महकमों में मुलाजमतों की मौजूदा कमी को पूरा करना है। रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को कनाडा में खुश आमदीद कहने के मंसूबे में ज़रूरतमंद कारकुनों को लाना भी शामिल है। लेकिन माहरीन और आजरों का कहना है कि नए आने वालों को उनके नए घर में पहुंचने और तरक्की की मनाजिल तय करने में मदद करने के लिए मजीद कुछ किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत अगले 3 सालों में कनाडा में 1.45 मिलियन नए मुस्तकिल रिहायशों को देखना चाहती है, जिनमें 2025 में 5 लाख अफराद शामिल हैं। ये फैसला ऐसे नए वक्त में सामने आया है जब कनाडा कारकुनों की कमी से निमट रहा है। माहरीन का कहना है कि हुकूमत के मौसम खजा के मौशी बयान के मुताबिक इमिग्रेशन कैनेडियन के तौर पर हमारी शनाख्त का मरकज है, जबकि ये कनाडा की इक्तिसादी तरक्की का एक अहम महरक भी है। हुकूमत का ख्याल है कि इमिग्रेशन को फरोग देने से ऐसे मुल्क में मजदूरों की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी, जहाँ उम्र रसीदा आबादी और रिकॉर्ड तादाद में लोग रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं। शॉन फ्रेजर ने कहा कि कनाडा में नए इमिग्रेशन प्लान के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात के लिए मुलाजमीन को तलाश करने में मदद मिलेगी, जिनमें तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग, होटल और सियाहत समेत कई शोबे शामिल हैं, जिनमें रेस्तरां की सनद भी शामिल है। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने मजीद कहा कि वो तिबी मुलाजमीन, ट्रक ड्राइवर, घर बनाने वाले या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। वाज़े रहे नए आगाज के पीछे एक अहम वजह यह है कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान मुलाजमत की जो आसामियां खाली हो गई थीं, उन्हें दोबारा पूर्ण नहीं किया जा सकता था। वज़ीरे आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मिसिसागा लेकशोर के नशिश्त पर वफा के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। वोटर्स 12 दिसंबर को अपने नए मेंबर पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मिसिसागा लेकशोर की नशिस्त पर वफाकी ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। वोटर 12 दिसंबर को अपने नए मेंबर पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
मई में लिबरल एमपी स्विन स्पिंगमन के इस्तीफे के बाद मिसिसागा लेकशोर की सीट खाली रह गई थी। स्पिंगमन ने अक्वामे मुतहदा में पोजीशन लेने के लिए अपनी निशिस्त छोड़ दी थी। हुक्मरान जमात लिबरल्स को उम्मीद है कि उनकी जगह ऑन्टेरियो के साबिक लिबरल वजीर खजाना चार्ल्स सोसा ने ले ली है, जिन्होंने एक दहाई से ज्यादा अरसे से मिसिसागा में सूबाई राइडिंग की नुमाइंदगी की थी। इस निशिस्त की ज्यादातर नुमाइंदगी विफाकी लिबरल्स ने की है, सिवाय इसके कि जब कंजर्वेटिव ने उसे 2011 से 2015 तक साबिक वजीर आजम स्टीफन हार्पर की अक्सरियती हुकूमत में रखा था। पील रीजनल पुलिस ऑफिसर टूरीस के लिए जिमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जो पियर पॉलिवर के पार्टी लीडर बनने के बाद पहला इनेकाद होगा। इस इलाके की साबिक सूबाई हल्का असिस्टेंट जूलिया कॉल न्यू डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं, जबकि मैरी किडनियो तहयात मिसिसागा की रिहायशी फेडरल ग्रीन्स की नुमाइंदगी करेंगी। दिसंबर में जो भी पार्टी जिमनी इंतखाब जीतती है वो पार्लियामेंट में ताकत के तवाजन को तब्दील नहीं करेगी, जहाँ लिबरल्स अकलियती निशस्तें रखते हैं। खालिस्तान की आज़ादी के लिए टोरंटो और मिसिसागा समेत कैनेडा के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले का रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा के शहर टोरंटो में 75,000 सिखों ने भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए वोट कास्ट कर दिया। खालिस्तान की आज़ादी के लिए टोरंटो और मिसिसागा समेत कैनेडा के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले का रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। खालिस्तान के क्याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम की वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। सिख बिरादरी की कसीर तादाद ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोट हक के राय दही इस्तेमाल किया। 75,000 से ज्यादा अफराद ने भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए वोट कास्ट कर दिया। पोलिंग स्टेशन पर सिखों की लंबी कतारें लगी रहीं। वोटिंग में हिस्सा लेने वालों ने मुतालबा किया कि भारत खालिस्तान को आज़ाद करे। रेफरेंडम की मुंतजिम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना है कि वक्त खत्म होने की वजह से वोटर्स की बड़ी तादाद वोट न डाल सकी, शायद तीसरे रेफरेंडम का इनेकाद भी करना पड़े। इस मौके पर आलमी बिरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इससे कबल 18 सितम्बर को टोरंटो में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग के पहले मरहले में मुंतजमीन के मुताबिक 1,00,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाला था। मुल्क भर से खवातीन और मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए टोरंटो पहुंची थी। ताहम वोटिंग का वक्त खत्म होने के बायस कतार में लगे हजारों सिख वोट ना डाल सके थे। सिखों की नुमाइंदा तंजीम सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम की क्यादत कर रही है, जिसका मकसद पंजाब की भारत से अलहदगी और उसे सिखों का अलहदा वतन करार देने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर हिमायत हासिल करना है। वाज़ह रहे कि सिख फॉर जस्टिस के लीडर 26 जनवरी 2023 को भारत में भी खालिस्तान पर रेफरेंडम का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने सिख बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय मकबूजा पंजाब में सिखों का वतन बनाने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान हकीकी जमहूरियत है तो उसे रेफरेंडम के नतीजे को कबूल करना चाहिए। अमेरिका में वस्त मुद्दते इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया, जो बाइडेन और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। दोनों रहनुमा इलेक्शन में कामयाबी के दावे करने लगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में वस्त मुद्दते इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया, जो बाइडेन और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। दोनों रहनुमा इलेक्शन में कामयाबी के दावे करने लगे। अमेरिकी सदर बाइडेन और साबिक सदर ट्रंप की वोटर्स को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। अमेरिका में 8 नवम्बर को होने वाले मिड टर्म इंतखाबात के लिए 4 करोड़ अमरीकी पहले ही वोट कास्ट कर चुके। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। अमरीका में मंगल को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बाइडेन न्यूयॉर्क और ट्रंप मियामी पहुंचे। वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए 4 करोड़ अमरीकी पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं, अगरचे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। ट्रंप कैंप के कई रिपब्लिकन रहनुमा इंतखाब से पहले ही साजिशी नजरियात और नतायज पर शकूक का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पोल्स में रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की दौड़ में आगे दिखाया गया है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और गैर कानूनी इमिग्रेशन डेमोक्रेट्स की राह में बड़ी रुकावट है। बाइडेन ने इंतखाबात को अमेरिकी जमहूरियत के लिए फैसला कुन लम्हा करार दे दिया है। वाज़ह रहे कि मंगल को ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435, सेनेट की 35 नशस्तों पर मुअक्का होगा। 50 रियासतों में से 36 में गवर्नर भी चुने जाएंगे, जबकि रियासती असम्बली और मुकामी सतह पर भी इंतखाबात होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन के मावन जैक सुलेमान ने हालिया महीनों में रूसी हुक्काम से खुफिया गुफ्तगु की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडेन के मावन जैक सुलेमान ने हालिया महीनों में रूसी हुक्काम से खुफिया गुफ्तगु की है। अमरीका जो बज़ाहिर रूस के खिलाफ मज़हमत पर यूक्रेन की हौसला अफजाई करता है, लेकिन
अंदरून खाना यूक्रेन को सदर पुतिन से मुजाकरात का मशवरा दे रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक जैक सुलेवान ने रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव से बातचीत की है। अखबार का कहना है कि जैक सुलेवान ने क्रेमलिन के मुआवन योरी उशाकोव से भी गुफ्तगू की। अमरीकी अखबार ने कहा कि जौहरी तनाजे के खतरे को कम करने की उम्मीद से बातचीत की गई। अमरीकी और रूसी हुकाम की बातचीत को अवामी सतह पर जाहिर नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक सुलेवान ने दो रोज कबल दौरे कीव में यूक्रेन के लिए अमरीका की गैर मुतजलजल हिमायत का यकीन दिलाया था। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के हवाले से व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। जब यह पूछा गया कि क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है, ताहम अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह जवाब दिया कि हम पहले ही कह चुके हैं अगर रूस मुजाकरात के लिए तैयार है तो बमबारी और जहरियत बंद करके यूक्रेन से अपनी अफवाज को वापस बुलाएं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।